हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। सो फाइनली बच्चों, यूपीटीयू का राउंड टू का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आप लोग राउंड टू का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। अब आप में से अलग अलग बच्चों का कंडीशन अलग अलग होगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था, लेकिन राउंड टू में फर्दर अपग्रेड हो गया है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था, लेकिन राउंड टू में फर्दर अपग्रेड नहीं हुआ है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिला हुआ था, राउंड टू में फर्स्ट टाइम सीट मिला हुआ है। आप में से कुछ बच्चे रेयर टू रेयरस बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ना तो राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था और ना ही राउंड टू में कोई सा सीट मिला हुआ है। तो इन चारों बच्चों के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक में देखना है। अगर लास्ट तक देखते हो बच्चों, तो आपके मन में जितने भी डाउट आ रहे हैं वो सारे इसी वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो बच्चों, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपको पता ही है कि आप सभी बच्चे का कंडीशन अलग है, तो मैंने आप सभी बच्चे को चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो देखो बच्चों, कैटेगरी वन वाले बच्चे वो हैं जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था और राउंड टू में फर्दर अपग्रेड हो गया है। कैटेगरी टू वाले बच्चे वो हैं जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था, लेकिन राउंड टू में कोई सा भी फर्दर अपग्रेड नहीं हुआ है, यानी कि राउंड वन वाला सीट ही रिटेन है। कैटेगरी थ्री वाले बच्चे वो हैं जिनको राउंड वन में कोई सा भी सीट नहीं मिला हुआ था, लेकिन राउंड टू में फर्स्ट टाइम सीट मिला हुआ है। और कैटेगरी फोर वाले बच्चे वो हैं जिनको ना तो राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था और ना ही बच्चों राउंड टू में कोई सा सीट मिला हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, चारों कैटेगरी वाले बच्चे को समझ में आ गया होगा कि कौन से बच्चे किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कैटेगरी वन वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। तो कैटेगरी वन वाले बच्चे वो हैं जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था और राउंड टू में फर्दर अपग्रेड हो गया है। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको राउंड वन में जब फर्स्ट टाइम सीट मिला हुआ था उस टाइम आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था और साथ में विलिंगनेस भी सबमिट किया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपका वन टाइम पेमेंट होता है, फर्दर अगर आपका अपग्रेड होता है तो उस केस में आपको दोबारा से फी नहीं पे करना होता है। तो देखो बच्चों, राउंड टू में आपका फर्दर अपग्रेड हुआ है, तो इस केस में बच्चों आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोगों ने राउंड वन में पे कर रखे हो तो आपको दोबारा से कोई सा भी पेमेंट नहीं करना होगा। आप लोगों ने बच्चों राउंड वन में विलिंगनेस सबमिट भी कर रखा था, है ना, तो राउंड टू में फर्दर अपग्रेड हुआ है तो अभी आपका जो भी सीट मिला हुआ है वो आपका ऑटो फ्लोट पे होगा। सिंपली लॉगिन करके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब अगर आपको राउंड टू में आपका फेवरेट सीट मिल चुका है, इसी सीट में आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोग इस सीट को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज कैसे करना है, तो देखो बच्चों, सिंपली लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज विलिंगनेस करने का, उस पर क्लिक करके आप लोग फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फ्लोट करना है तो आपका सीट ऑटोमेटिकली फ्लोट पे है, ठीक है, उसे आप लोग लॉगिन करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कैटेगरी वन वाले बच्चे, यानी कि आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था और राउंड टू में फर्दर अपग्रेड हो गया है, इन बच्चे को अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपका वन टाइम पेमेंट होता है, फर्दर आपको पे नहीं करना होता है, रिफंडेबल भी होता है। तो राउंड सेकेंड में अगर किसी बच्चे को विड्रॉ लेना है तो वो बच्चा विड्रॉ ले सकता है, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हो तो उस केस में 5000 रुपीज का डिडक्शन होता है और 15000 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप लोग एससी एसटी वाले बच्चे हो तो उस केस में 3000 रुपीज का डिडक्शन होगा और बच्चों 9000 रुपीज आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो 20000 रुपीज आपसे लेते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों से और 12000 रुपीज लेते हैं एससी एसटी वाले बच्चों से, तो क्या ये एक्स्ट्रा फी है? नहीं बच्चों, ये एक्स्ट्रा फी नहीं है। जब आप लोग एडमिशन के लिए जाओगे, रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, उस टाइम पे एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज का जो भी फी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर
कॉलेज का फी है 1.5 लाख रुपए। तो आप लोगों ने अगर 20,000 रुपीज ऑनलाइन पे किए हुए हो तो वो अमाउंट आपका कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फी में से सब्ट्रैक्ट होकर के रिमेनिंग फी ही आपको पे करना होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये फी आपका एडजस्ट हो जाता है तो आपसे कोई सा भी एक्स्ट्रा फी नहीं लिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छा देखो बच्चों, एक और डाउट आता है बच्चों के मन में कि सर क्या फर्स्ट ईयर का फी एक साथ ही लेते हैं, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लेते हैं? तो देखो बच्चों, सेमेस्टर वाइज फीस आपसे नहीं लिया जाता है, फर्स्ट ईयर का पूरे एक साल का फीस आपसे एक साथ ही लेते हैं। बाकी हॉस्टल फी कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। तो जब आप लोग रिपोर्टिंग के टाइम पे जाओगे, एडमिशन के टाइम पे जाओगे, उस टाइम पे कॉलेज वालों से बात कर लेना, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटेगरी टू वाले बच्चों के लिए। अब कैटेगरी टू वाले बच्चे वो हैं जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला हुआ था और राउंड टू में फर्दर अपग्रेड नहीं हुआ है। तो आपको भी बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों ने भी सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पे कर रखे हो तो आपको दोबारा से कुछ भी नहीं करना है। विलिंगनेस सबमिट की बात करेंगे तो आपका सीट भी ऑटो फ्लोट पे ही होगा, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना और देख लेना, अगर इनकेस ऐसा हो गया है कि राउंड टू में आप लोग फ्रीज करना चाहते हो तो उस केस में चेंज विलिंगनेस पे जाओगे। चेंज विलिंगनेस पे बच्चों जा करके क्लिक करके आप लोग विलिंगनेस चेंज कर लोगे, अपनी सीट को फ्रीज कर लोगे। तो करना चाहते हो तो कर लेना। हम लोगों ने कैटेगरी टू वाले बच्चों के लिए भी बात कर लिया है। अब कैटेगरी थर्ड वाले बच्चों के लिए बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आई नो कि आप में से मोस्टली बच्चे कैटेगरी वन वाले ही बच्चे होंगे, है ना, जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला होगा और राउंड टू में फर्दर अपग्रेड हो गया होगा। कैटेगरी टू वाले भी आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको राउंड वन में कोई सा सीट मिला होगा लेकिन राउंड टू में फर्दर अपग्रेड नहीं हुआ होगा। वैसे इस बार का कट ऑफ काफी लो जा रहा है, ये बात आपको पता ही है। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि काउंसलिंग काफी ज्यादा डिले हो चुका है, सीट काफी ज्यादा वैकेंट होगा क्योंकि काफी सारे बच्चे ने एडमिशन ले लिया है। तो देखो बच्चों वही हुआ है, कट ऑफ काफी ज्यादा लो गया है, 30,000-40,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला हुआ है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कट ऑफ एनालिसिस वाला वीडियो चैनल पर डल गया है, अगर नहीं देखे हो तो करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरी थर्ड वाले बच्चों के लिए, यानी कि आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड वन में कोई सा भी सीट नहीं मिला हुआ था और राउंड टू में बच्चों फर्स्ट टाइम सीट मिला हुआ है। तो आपको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना मैंडेटरी होता है। अगर नहीं पे करोगे तो आपके सीट को कैंसिल कर देंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद आप लोग यूपीटीयू के नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसके बाद बच्चों डायरेक्टली आप लोग स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो वो गलती नहीं करना है क्योंकि यूपीटीयू काउंसलिंग में स्पॉट राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी लोअर ब्रांच ही रहता है, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना है। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको ध्यान से पे कर लेना है। सीट एक्सेप्टेंस फी है बच्चों 20,000 रुपीज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए है 12,000 रुपीज, ठीक है? ध्यान से पे कर लेना। कैसे पे करोगे बच्चों? तो सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपके पास ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने का, उस पर क्लिक करोगे और आप लोग फी पे कर सकते हो। कैसे भी करके फी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, कैसे भी पे कर सकते हो, लेकिन ध्यान से बच्चों पे कर लेना है क्योंकि ये आपका मैंडेटरी फी होता है। बाकी ये आपसे एक्स्ट्रा फी नहीं ले रहे हैं, जब आप लोग एडमिशन लोगे उस टाइम पे ये फी आपका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? ये भी समझ में आ गया है। और देखो बच्चों, वन टाइम पेमेंट होता है, फर्दर राउंड में, राउंड थर्ड में, राउंड फोर में अगर आपका फर्दर अपग्रेड होगा उस केस में आपको दोबारा से सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करना होता है और साथ में रिफंडेबल भी होता है। अगर बच्चों आपको राउंड थर्ड में रिफंड चाहिए, विड्रॉ लेना है, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है? लेकिन कंक्लूजन ये है कि सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना मैंडेटरी होता है और आपको ध्यान से ये फी पे कर लेना है। तो देखो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, ये करने के बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। विलिंगनेस सबमिट में आपके पास दो ऑप्शन होता है, फ्रीज और फ्लोट, मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है, उसे देख लेना, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो बच्चों,
फ्रीज आप में से उन बच्चे को करना है जिनको उनका फेवरेट सीट मिल गया है, क्योंकि फ्रीज कर लोगे तो फ्रीज करने के बाद अभी जो भी सीट आपको मिला हुआ है ये आपका फाइनल हो जाएगा, इसी में आपका एडमिशन होगा। इसके बाद आप लोग फर्दर ऑन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और जो सीट मिला हुआ है उसी में आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। फ्रीज करने के बाद अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी वेट करना है। राउंड फोर के बाद जब रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाएंगे उस टाइम पे कॉलेज में जाना, रिपोर्टिंग कर लेना, डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, एडमिशन आपका हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो फ्रीज किन बच्चे को करना है समझ में आ गया है। शॉर्ट में ये है कि अगर आपको आपका फेवरेट सीट मिल चुका है, इसी सीट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस केस में आप लोग फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन होता है आपका फ्लोट का। आप में से मोस्टली बच्चे को फ्लोट ही करना है, क्योंकि फ्लोट का मतलब ये है कि जो भी सीट आपको मिला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग राउंड थर्ड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राउंड थर्ड में जाओगे, राउंड थर्ड में अगर आपका फर्दर कॉलेज और ब्रांच अपग्रेड होगा तो उस केस में ये सीट आपका कैंसिल हो जाता है। अगर नया कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये सीट आपका रिटेन रहता है, ठीक है। अब नया सीट पहले वाले सीट से बेटर है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो अगर आपका चॉइसलिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है तो उस केस में जो नया सीट मिलेगा वो पहले वाले से बेटर ही होगा, क्योंकि जो भी कॉलेज और ब्रांच आपको मिलता है फर्दर राउंड में उसके ऊपर का ही देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 20 नंबर वाला कॉलेज और ब्रांच मिला हुआ है तो इसके बाद अगर आप लोग राउंड थर्ड में जाओगे तो 20 नंबर से ऊपर का ही देखते हैं, उसके नीचे का नहीं देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका चॉइसलिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है तो 100% फर्दर राउंड में जो नया कॉलेज और ब्रांच मिलेगा वो पहले वाले से बेटर ही होगा, और अगर आपका चॉइसलिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो राउंड थर्ड में आपके पास फिर से चॉइसलिंग में चेंजेस करने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन ये लास्ट मौका है। राउंड थर्ड में जो भी आप लोग चॉइसलिंग करते हो उसी को फर्दर राउंड में कंसीडर किया जाता है, चाहे आपका राउंड फोर हो या फिर राउंड फाइव जिसे हम लोग इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्पॉट ऑन होता है। क्या स्पॉट ऑन का कंसेप्ट अलग है? यूपीटीयू के स्पॉट ऑन में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको नॉर्मल राउंड में कोई सा भी सीट नहीं मिला होता है, लेकिन स्पॉट ऑन में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी आपका लोअर ब्रांच ही रहता है, ठीक है। तो स्पॉट ऑन का अलग कंसेप्ट है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। तो देखो बच्चों, कंक्लूजन ये है कि कैटेगरी थ्री वाले बच्चे को सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, उसके बाद विलिंगनेस सबमिट करना है, ठीक है। ये आप लोग कब तक कर सकते हो? 24th ऑफ सितंबर के रात के 12 बजे से पहले तक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा एडवाइस ये होगा कि जितनी जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा, सो जल्दी से कर लेना, ये भी समझ में आ गया है। साथ में अगर हम लोग शेड्यूल को देख रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों आप लोग विड्रॉ भी ले सकते हो। आप में से ऐसे बच्चे जिनको विड्रॉ लेना है वो बच्चे विड्रॉ ले सकते हैं। विड्रॉ आप लोग कैसे लोगे? सो देखो बच्चों, सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे, विड्रॉ आपका हो जाएगा। लेकिन विड्रॉ लेने के बाद जो भी सीट आपको मिला हुआ है उसको कैंसिल कर देते हैं और आपके फीस को रिफंड कर देते हैं। लेकिन देखो बच्चों, रिफंड आने में थोड़ा सा समय लगता है, कम से कम 2-3 महीने लगेगा, ठीक है। वैसे भी बच्चों हम लोग स्टूडेंट को ये कहते हैं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना कि 2-3 महीने लगेगा, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले भी आपको रिफंड दे देंगे। लेकिन ये यूपीटीयू काउंसलिंग है, यहाँ पे तो 2-3 महीना भी कम ही होता, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म है कि 3 महीने के अंदर में आ जाएगा, तो आपको पैनिक नहीं करना है। जिस भी बच्चों को विड्रॉ लेना है आप लोग विड्रॉ ले सकते हो। विड्रॉ लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है। 2-3 महीने में आपके पैसे को रिफंड कर देते हैं। कहाँ पे रिफंड आएंगे? तो जिस भी बैंक अकाउंट से आप लोगों ने पे किया था उसी अकाउंट में आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया है। विड्रॉ लेने का भी जो डेट दिया गया है वो डेट है आपका आज से 22nd ऑफ सितंबर से लेकर के 24th ऑफ सितंबर तक में, ठीक है। सो ध्यान से ले लेना। अब देखो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने कैटेगरी थर्ड वाले बच्चों तक की बात कर लिया है। इसके बाद कैटेगरी फोर वाले बच्चे रिमेनिंग बचते हैं। कैटेगरी फोर वाले बच्चे कौन है? तो कैटेगरी फोर वाले बच्चे वो हैं जिनको ना तो राउंड वन में कोई सीट मिला हुआ था और ना ही राउंड टू में कोई सा भी सीट मिला हुआ है। तो देखो बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोग राउंड थर्ड के काउंसलिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आप लोग राउंड थर्ड में चले जाओगे, सो आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन देखो बच्चों, वैसे तो मुझे पता है कि आप में से काफी सारे रेयर टू रेयर बच्चे होंगे जिनको अभी तक के काउंसलिंग में कोई सा भी सीट नहीं मिला हुआ है। लेकिन देखो, राउंड थर्ड में जो आप लोग चॉइसलिंग करोगे
ओके, ये लास्ट मौका आपको दिया जाएगा। सो सही से आपको चॉइस नहीं करना है ताकि राउंड थर्ड में एक सीट मिल जाए। वैसे भी काउंसलिंग खत्म होते जा रहा है, सो आपको डिले नहीं करना है, राउंड थर्ड में एक सीट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है। हम लोगों ने हर एक कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात कर लिया है। आप सभी बच्चे इन चारों कैटेगरी में से ही किसी ना किसी कैटेगरी में लाइक कर रहे होंगे। अगर बच्चों आपका कंडीशन कुछ और है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया है। यहाँ तक बच्चों आपका राउंड सेकंड का शेड्यूल खत्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चों राउंड थर्ड का चॉइस करने का जो डेट दिया गया है वो डेट है बच्चों 25th of September का, ठीक है। 25th of September के मॉर्निंग में 10 AM से लेकर के 11 AM के अप्रॉक्स आपका चॉइसमिंग स्टार्ट हो जाएगा, और रात के 12 बजे से पहले तक में यानी कि 11:50 PM तक आप लोग चॉइसमिंग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लास्ट मौका आपको दिया जाएगा। अब आई नो कि आप में से मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई सीट मिल गया होगा, अभी तक आप लोग खुश भी हो रहे होंगे। लेकिन देखो बच्चों, राउंड थर्ड का जो चॉइसमिंग होगा वो लास्ट होगा, तो अगर आपका चॉइसमिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा तो राउंड थर्ड में आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, राउंड फोर में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में कंसीडर कर रहे हो तो, अगर बच्चों आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में कंसीडर कर रहे हो तो आपके पास राउंड फाइव भी होगा। राउंड फाइव जो होता है उसका नाम है हमारा इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। अब देखो बच्चों, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्राइवेट वाले बच्चे इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में यानी कि राउंड फिफ्थ के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि राउंड थर्ड की चॉइसमिंग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक्सपर्ट का एडवाइस ले लेना चाहिए। खुद से कब तक करोगे? काउंसलिंग खत्म हो गया है, लास्ट मौका है। यहाँ पे 1000 रुपए 1200 रुपए में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल रहा है ना। तो बच्चों आप लोग एक्सपर्ट का एडवाइस ले लेना। वी हैव अ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट फॉर UPTU काउंसलिंग ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर एड करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा जहां पे ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं। एक बार बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे उनको रेगुलर क्लियर किया जाएगा। और देखो बच्चों, आपको पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो आपके हर एक डाउट को रेगुलर क्लियर करेंगे, साथ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसलिंग करवा देंगे। मेंटर अपने हाथों से आपकी चॉइसलिंग करते हैं। उसके बाद आपको मौका दिया जाता है कि आप लोग लॉगिन करके क्रॉस चेक कर सकते हो, और जब आप लोग फुली सेटिस्फाई हो जाते हो उसके बाद आपको छोड़ा जाता है। तो हम लोग हर एक वीडियो में कहते हैं कि त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट है। अगर आप लोगों ने किसी का बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट बाय किए हो तो वो त्रिपथ एकेडमी होगा। बाकी तो PDF वाले हैं, तो बाकी का काउंसलिंग सपोर्ट PDF काउंसलिंग सपोर्ट है और त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट है। क्यों बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे फुली सेटिस्फाई हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस बेस्ट दिया जाता है, सब कुछ टाइमली किया जाता है। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों का आप लोग बाय करोगे, आपको एक बार कॉल किया जाएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, बस वहां से काम हो गया। उसके बाद शायद ही आपसे पर्सनली बात करेंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग अपने हाथों से चॉइसिंग कर दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो वही है कि त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट है और बाकी का PDF काउंसलिंग सपोर्ट है। तो आप लोग डिसाइड करो कि PDF वालों का लोगे या बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट लोगे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यही है, बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। हमारे पास इतने बच्चे हैं, सबके सब फुली सेटिस्फाई हो रखे हैं। आप लोग बच्चों के रिव्यू देख सकते हो, कमेंट में पढ़ सकते हो कि त्रिपथ एकेडमी इज बेस्ट फॉर दी काउंसलिंग, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों, इतना सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 1199 रुपीज में दिया जा रहा है। पहले इसका प्राइस 999 रुपीज था, अभी बच्चों इसका प्राइस बढ़ करके 1199 रुपीज हो चुका है। लेकिन राउंड थर्ड का जब चॉइस में स्टार्ट होगा यानी कि 25th of September को इसका प्राइस बढ़ करके 1499 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब तक तो आपको यकीन भी आ गया होगा कि अगर हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग 25th of September को देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट बाय करने का सोच रहे हो तो बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट बाय करो, PDF वालों का नहीं बाय करना है।
और दूसरी बात यह है कि जल्दी बाई कर लो ताकि कम प्राइस में भी हो जाएगा और आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच भी मिल जाएगा, क्योंकि राउंड थर्ड का चॉइस में आपके पास लास्ट मौका दिया जा रहा है। सो देखो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, याद रखना, कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाई कर लेना, और लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये तो समय में आ गया है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने हर एक बच्चों के बारे में बात कर लिया है, चारों कैटेगरी के बारे में बात कर लिया है। इसके बाद आपका राउंड थर्ड का चॉइस लिंक 25th ऑफ सितंबर को होगा। उसके बाद राउंड थर्ड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 26th ऑफ सितंबर को। खैर आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसके रिगार्डिंग वीडियो आ जाता है ना, तो इतनी पैनिक क्यों कर रहे हो, है ना, पेशेंस बना करके रखो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। होप सो बच्चों कि आपको एक बढ़िया कॉलेज और ब्रांच मिल जाए लास्ट तक में, बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, बाय कर लेना, बढ़िया रहेगा। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो सब्सक्राइब कर लो, आगे भी ये चैनल आपके इस जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। अच्छा हाँ, एक और बात भी है कि देखो बच्चों, यूपीटीयू का स्पॉट राउंड सिर्फ और सिर्फ एक ही हो रहा है, राउंड 6 है ना, राउंड 7 कैंसिल हो चुका है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो उसका तो बाद में होगा। और एक और बात भी है कि आप लोग स्पॉट राउंड पे भरोसा मत करना, स्पॉट राउंड पे बच्चों डिपेंड नहीं रहना है, वो काफी रिस्की रहता है, ठीक है। कट ऑफ काफी ज्यादा लो जा रहा है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 30,000-40,000 रैंक का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और राउंड 2nd में और भी ज्यादा कट ऑफ लो गया है। अभी तो कट ऑफ नहीं आया है, जैसे ही आएगा वैसे ही कल आपके लिए एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ एनालिसिस, उसे आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है। कट ऑफ इतना ज्यादा लो जाने के पीछे बच्चों ये है कि राउंड 1 में काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको सीट भी मिल गया था, लेकिन उन बच्चों ने ऑलरेडी कहीं और एडमिशन ले रखा है, तो वो बच्चे यूपीटी में कैसे एडमिशन लेंगे, है ना, तो उन्होंने फी नहीं पे किया है और वो सीट वैकेंट रह गया है। इसके वजह से राउंड 2 में कट ऑफ काफी ज्यादा लो गया है और राउंड 3 में और भी ज्यादा लो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। क्योंकि विड्रॉ लेने का अभी देखो, राउंड 2 में विड्रॉ लोगे तो 15,000 रुपीज आपका रिफंड होता है और राउंड 3 में 10,000 रुपीज आपका रिफंड होता है, उसके बाद राउंड 4 में आपका रिफंड होता ही नहीं है, तो काफी सारे बच्चे रिफंड भी लेंगे, विड्रॉ लेंगे, जिन्होंने सीट बस रिजर्व रखा है उन्हें एडमिशन नहीं लेना है। तो कहने का मतलब यह है कि राउंड 3 में कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाएगा और राउंड 4 में कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे रिफंड नहीं देते हैं, कोई बच्चा विड्रॉ नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन आपके पास राउंड 3 में चॉइस निकलने का लास्ट मौका होगा, इसलिए कह रहे हैं कि पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना, क्योंकि उसका भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 25th ऑफ सितंबर को उसका प्राइस बढ़ करके 1499 रुपीज हो जाएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 1199 रुपीज है, ठीक है। तो बाय कर लेना, अगर बाय करना है तो ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।